नमस्कार, ट्यूब रोड कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट के बारे में। मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट के बारे में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। आर्मेनिया के बारे में बात करेंगे, आप कैसे आर्मेनिया में बिजनेस कर पाओगे, कैसे आप आर्मेनिया में बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे, क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर पाओगे और आर्मेनिया में कहाँ पर लोकेटेड है और क्या बिजनेस आप आर्मेनिया में कर पाओगे और आर्मेनिया में आपको क्या बिजनेस करना चाहिए, क्यों बिजनेस करना चाहिए और क्या क्या बिजनेस का अपॉर्चुनिटीज है, उस बारे में मैं आज इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा आर्मेनिया में। तो चलिए शुरू करते वीडियो, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस इन आर्मेनिया। तो आर्मेनिया के बारे में बात कर रहा हूँ, आर्मेनिया में कैसे आप क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर पाओगे और कैसे आपका बिजनेस शुरू कर पाओगे। मैं हमारा जो चैनल का रात का 9 बजे का वीडियो में, मैं हमारा जो वीडियो आता है रात को 9 बजे का वीडियो में, मैं हमेशा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, आप कौन सा कंट्री में क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर पाओगे और कैसा क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है और वीजा के बारे में और उस कंट्री का क्या क्या और अपॉर्चुनिटीज है और कंपनी रजिस्ट्रेशन का खर्चा क्या है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या खर्चा है, डिटेल्स में आपको हमेशा हर दिन रात का 9 बजे का वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगा। तो आज का एक टॉपिक है आर्मेनिया के बारे में। आर्मेनिया, आपको पहले मैंने काफी वीडियो बना चुका हूँ आर्मेनिया का बिजनेस के बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में। तो फिलहाल एक वीडियो आर्मेनिया का इन्वेस्टमेंट के बारे में, आर्मेनिया में क्या क्या बिजनेस कर पाओगे उस बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। सो आर्मेनिया एक छोटा सा कंट्री है, पोस्ट सोवियत यानी एक सोवियत कंट्री है, छोटा सा देश है। आर्मेनिया सोवियत यूनियन से निकला हुआ अलग हुआ कंट्री है। 1991 में जब सोवियत यूनियन से काफी सारे कंट्री, करीब 17 कंट्रीज अलग हुए थे, उनमें से आर्मेनिया भी अलग हो गया था। 1991 में आर्मेनिया को इंडिपेंडेंसी मिला था। और आर्मेनिया जो छोटा सा कंट्री है, नॉर्थ में है उनका जॉर्जिया है, साउथ में ईरान है, वेस्टर्न पार्ट में है तुर्की और ईस्टर्न पार्ट में है अजरबैजान। सो आर्मेनिया का जो लैंग्वेज है, दो लैंग्वेज वहाँ बोला जाता है, आर्मेनियन लैंग्वेज और रशियन लैंग्वेज। उनका जो राजधानी का नाम है यरेवान है। आर्मेनिया का करेंसी है आर्मेनियन ड्रैम है। तो आर्मेनियन ड्रैम जो है इंडियन करेंसी से काफ़ी नीचे है। 1 इंडियन रुपीस अगर आप कन्वर्ट करोगे आर्मेनियन ड्रैम आपको मिलेगा 6.99 रुपया यानी 7 रुपया तक मिलेगा, यानी 1 इंडियन रुपीस विल बी इक्विवेलेंट टू 7 आर्मेनियन ड्रैम मिलेगा आपको, ठीक है। और आर्मेनिया का लिटरेसी है 99% लिटरेसी है, काफ़ी एजुकेटेड और स्किल लोग होते हैं और आईटी में आगे है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ये लोग आगे हैं। सो आर्मेनिया का पॉपुलेशन है 29,60,000 आर्मेनिया में। सो अभी मैं बात करूंगा आर्मेनिया में कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करूंगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसा होता है। देखिए, जैसे मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ रुवांडा के बारे में, अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है रुवांडा के बारे में बना चुका हूँ वीडियो। सो आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आर्मेनिया के बारे में। तो जैसे रुवांडा के बारे में बताया था, रुवांडा में फ्री में आप कंपनी बना सकते हो और बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ऐसे ही आर्मेनिया में भी आप फ्री में आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट का जो फीस है $20 है, लेकिन ऑलमोस्ट कभी कभी जो फॉरेन कंपनीज आते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, कुछ कंपनीज को पूरी फ्री है, जैसे कि आईटी स्टार्टअप है, माइक्रो बिजनेस है, बहुत सारे कुछ बिजनेसेस है, वो बिजनेसेस को फ्री रजिस्ट्रेशन है। और आपका ट्रेडिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी फ्री है, लेकिन आपका खर्चा क्या आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। आपका पहला, जैसे कि आप आर्मेनिया जाओगे खुद करोगे तो आर्मेनिया में आपका जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट को रशियन या आर्मेनियन लैंग्वेज में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और उनका ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसलेट करना पड़ता है, फिर उसको नोटराइज करना पड़ता है। तो उसमें करीब $20-25 खर्चा आता है। बाकी आपका जो कंपनी का स्टाम्प बनाना पड़ता है, तो पहले क्या होता है कि पहला कोई भी कंट्री में या इंडिया में जैसे आप कंपनी बनाओगे तो 5 नाम आपको देना पड़ता है, किसको, रजिस्टर, कंपनी रजिस्टर को, कि 5 नाम अवेलेबल है कि नहीं। तो 5 नाम पहला चेक करते हैं, कौन सा नाम अवेलेबल है उसी नाम में कंपनी रजिस्टर करते हैं। वैसे आर्मेनिया में अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करने को जाओगे तो अगर खुद करना चाहोगे तो आपके लिए ऑलमोस्ट फ्री है, क्योंकि गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन फ्री है कुछ कंपनीज को, और कुछ कंपनीज को $20 लगता है। $20 मतलब इंडियन रुपीज 1500 रुपया। तो आपका 1500 रुपया में आपका कंपनी बन जाएगा आर्मेनिया में। और अगर आप आईटी स्टार्टअप हो, माइक्रो कंपनी हो,
और बहुत सारे कंपनीज है, एग्रीकल्चर कंपनी है, ट्रेड एक्सपोर्ट कंपनी हो, तो आपके लिए भी फ्री है, आपको कोई फीस नहीं लगेगा। तो अगर कभी आर्मेनिया आप जाते हो तो किसी को भी पूछिए आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ पर है, उसका जो वेबसाइट और फोटो वगैरह मैं आपको इस वीडियो का दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में देख लीजिए। तो आप इसी एड्रेस में चले जाइए और रजिस्ट्रेशन, आर्मेनिया में प्रॉब्लम है, आपको लैंग्वेज वहाँ समझते नहीं है, वहाँ आर्मेनियन लैंग्वेज बोलते हैं और रशियन लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश कोई समझता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। अगर खुद करना चाहोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर कोई लॉयर का थ्रू जाओगे, लॉ फर्म के थ्रू जाओगे, तो लॉयर आपको $2,000 से लेकर 3,000 चार्ज करेगा और पूरा काम वो लोग करेगा, आपका मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, रजिस्ट्रेशन सब कुछ वो लोग करेंगे, ट्रांसलेशन वगैरह करेंगे, ठीक है। अगर आप खुद करना चाहोगे तो आप कभी आर्मेनिया जाते हो तो आर्मेनिया का रजिस्ट्रेशन ऑफिस चले जाइए, रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर बहुत सारे आपको ट्रांसलेशन ऑफिस और एजेंसी कंसल्टेंसी ऑफिस दिखाई देंगे, उनके पास जाइए और आप बताइए कि आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है, फिर वो आपको पूछेंगे आपका कंपनी का एक्टिविटीज क्या रहेगा, किस टाइप का कंपनी बनाओगे, सब कुछ पूछेंगे, वो आपसे चार्ज करेंगे, कुछ चार्ज करेंगे $400-500 चार्ज करेंगे, और अगर छोटा मोटा कोई कंसल्टेंसी है तो आपको $100 चार्ज करेंगे, फिर आपका पासपोर्ट का ओरिजिनल पासपोर्ट आप डिपॉजिट करना पड़ेगा, 1 day लगेगा, आपका पासपोर्ट का कॉपी निकालेंगे, जेरोक्स निकाल के उसको ट्रांसलेशन करेंगे और नोटराइज करेंगे उनका मिनिस्ट्री से, उसके बाद नेक्स्ट डे आपको लेके जाएंगे रजिस्ट्रार ऑफिस में और फ्री में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, विद इन 10 minutes में आपका कंपनी बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में आप नेक्स्ट डे आपका कंपनी का सील यानी कंपनी का स्टाम्प बना सकते हो, और बाद में आपका कंपनी का जो बैंक अकाउंट, करेंट बैंक अकाउंट, बिजनेस अकाउंट आप बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया आपके पास। उसके बाद अगर आपको आपका रेसिडेंसी वीज़ा लेना है, रेसिडेंसी वीज़ा के लिए आपको खुद का आपका ऑफिस लेना पड़ेगा या आपका दुकान या वेयरहाउस वगैरह लेने के बाद वो जो एग्रीमेंट बनेगा, 1 year का एग्रीमेंट लेके आपका बैंक डॉक्यूमेंट्स, बैंक का अकाउंट लेके आपका ट्रेड लाइसेंस वगैरह लेके आपको जाना पड़ेगा इमिग्रेशन में, फिर आपका वीज़ा अप्लाई होगा, विद इन ए मंथ इंस्पेक्शन आएगा आपका ऑफिस में, वो लोग चेक करेंगे कि आपका रियली ऑफिस है कि नहीं है, चेक करने के बाद फिर आपका वीज़ा 1 year का वीज़ा देगा, उसके बाद अगर आपका बिजनेस अच्छा रन होता है फिर आपको नेक्स्ट टाइम में 3 years का वीज़ा देगा, ऐसे ही आपको आप स्टार्ट कर सकते हो, खुद जाके फ्री में रजिस्ट्रेशन करके आप बिजनेस कर सकते हो आर्मेनिया में, ठीक है। अगर आप कोई लॉ फर्म के थ्रू जाओगे या हमारा कंपनी थ्रू जाओगे तो हमारा कंपनी का ब्रांच ऑफिस है आर्मेनिया में, तो हमारा कंपनी का थ्रू जाओगे तो छोटा मोटा कोई कंपनी बनाओगे तो $1,500 हम लोग चार्ज करते हैं, बड़े कंपनी है तो $3,000 चार्ज करते हैं। अगर आप कोई दूसरा लॉ फर्म के थ्रू जाओगे तो आपको 2,000 से लेकर 3,000 चार्ज करेंगे, फ्री में नहीं होगा। तो यह होगा, डिटेल्स आपको बता दिया। और आर्मेनिया में बिजनेस करने में आपको क्या फायदा है, फायदा है बहुत फास्ट सर्विस है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा गवर्नमेंट है, और आपको विद इन ए डे आपका कंपनी बन जाता है, बैंक्स बहुत अच्छा है, बैंक बहुत सिक्योर रहता है वहाँ का बैंक, और बैंक में इजीली वहाँ पर लोन मिल जाता है, अगर आपका ट्रांजैक्शन अच्छा है लोन मिल जाती है, ठीक है। और आप कोई भी बिजनेस क्या क्या बिजनेस कर पाओगे मैं आगे आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में बताऊंगा। और आर्मेनिया में अगर आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाता है तो 3 years आप रहोगे, 3 years तक आप लीगली वहाँ बिजनेस करने के बाद अगर आप आर्मेनियन सीख जाते हो, आर्मेनिया बोल पाते हो, तो फिर आप 4th year में आप आर्मेनिया का सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हो सकता है आपको सिटीजनशिप अगर मिल जाता है, आर्मेनिया का पासपोर्ट अगर मिल जाता है, फिर आप वर्ल्ड वाइड 63 कंट्रीज को विदाउट वीज़ा में जा सकते हो, और यूरोशियन कंट्रीज जितना है जैसे कि रशिया हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, बेलारूस, ये सब जितने कंट्रीज है, पोस्ट सोवियत कंट्रीज है, इस कंट्रीज में आप अनलिमिटेड टाइम में वीज़ा रह सकते हो, नौकरी भी कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो। और आर्मेनिया का अगर आपके पास रेसिडेंसी है या आपके पास आर्मेनिया का सिटीजनशिप है, फिर आप रशिया, एक्स सोवियत, जितने सारे कंट्रीज है उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत आप बिजनेस कर सकते हो। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और जर्मनी, ऐसे बहुत सारे जो यूरोपियन यूनियन के साथ भी आप बिजनेस कर सकते हो फ्री ट्रेड में, ठीक है। तो डिटेल्स मैंने आपको बता दिया आर्मेनिया में क्या कितने सारे मतलब क्या अपॉर्चुनिटीज है और कैसे आपको कंपनी बनाओगे और कैसे आपको रेसिडेंसी मिलेगा। आर्मेनिया में जो पॉपुलेशन बहुत कम है, 29,60,000 बता दिया आपको, उनका पॉपुलेशन एजिंग हो रहा है और डिक्लाइन कर रहा है क्योंकि काफ़ी सारे लोग बाहर जा रहे हैं और आते नहीं हैं, बहुत सारे लोग जाकर रशिया में और बहुत सारे कंट्री में
सेटल होते हैं और आते नहीं है, इसलिए आर्मेनिया का गवर्नमेंट चाहता है कि उनका कंट्री में कोई आके शादी करके यहीं रुक जाए। तो आर्मेनिया में अगर आर्मेनियन लड़की को या आर्मेनियन लड़का को आप शादी करते हो तो 3 साल के बाद आपको इमिडिएटली आर्मेनिया का सिटीजनशिप मिल जाता है, ठीक है, ये भी एक तरीका है। तो डिटेल्स में आपको बता दिया आर्मेनिया के बारे में। तो आर्मेनिया में आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको बता दिया डिटेल्स में क्या 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 बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, देख लीजिए क्या क्या बिजनेस आप वहां कर सकते हैं, आप देख लीजिए। सो ये है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन आर्मेनिया, आपको मैं वन बाय वन पढ़ के बता रहा हूं। एक तो है एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ऑटोमोटिव, चिल्ड्रंस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फूड, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड सर्विसेज, हेल्थ एंड ब्यूटी, ऑनलाइन होम बेस्ड बिजनेस। तो पूरा डिटेल्स में देख लीजिए, मैं बाद में आपको समझाऊंगा। एंटरटेनमेंट, फाइनेंसेस, प्रोफेशनल सर्विसेज, बिजनेस, ठीक है, डिटेल्स आपको मैंने दिखा दिया आर्मेनिया में आप क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में, आर्मेनिया में मैंने रशिया के बारे में बता चुका हूँ और यूक्रेन के बारे में बता चुका हूँ एग्रीकल्चर के बारे में। आर्मेनिया का जो सॉयल है, मिट्टी है, बहुत अच्छा है, फर्टाइल है और ब्लैक सॉयल है। तो आर्मेनिया में अगर आप एग्रीकल्चर को पसंद करते हो, एग्रीकल्चर बिजनेस को, तो आर्मेनिया में आप लैंड खरीद सकते हो बहुत सस्ता में, और लैंड में आप बहुत सारे एग्रीकल्चरल फार्म कर सकते हो, फ्रूट्स फार्म कर सकते हो, फ्लावर फार्म बना के वर्ल्ड वाइड आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का लैंड बहुत सस्ता है और इजीली आप वहाँ खरीद सकते हैं और लॉन्ग लीज भी ले सकते हैं। तो एग्रीकल्चरल बिजनेस में आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, देख लीजिए। तो बी कीपिंग, हनी प्रोडक्शन है, ग्रीन हाउस, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बेरीज, हर्ब्स, लेमन, ड्राइड फ्रूट्स में एप्रिकॉट, ठीक है, प्रॉन बीचेस है, वाइन मेकिंग, वेजिटेबल, चेरी, अस्पारगस है, ब्रोकोली, ये सब बना सकते हो, पोल्ट्री फार्म कर सकते हो, बेरीज लगा सकते हो, कैटल फार्मिंग, शीप एंड गोट फार्मिंग, पिग फार्मिंग, फिशरीज कर सकते हो, हर्ब है, ड्राइड हर्ब्स है, वाइल्ड हार्वेस्ट, देख लीजिए जितने सारे मैं दिखा रहा हूं आपको एग्रीकल्चर में, ठीक है। बाद में है फूड प्रोसेसिंग में, कोल्ड स्टोरेज है, स्लॉटर हाउस है, फिश प्रोसेसिंग है, चीज मेकिंग, मीट प्रोसेसिंग, जूस, ऐसा देख लीजिए आपको कितना मैं दिखा रहा हूँ फूड प्रोसेसिंग में क्या क्या है। फूड प्रोसेसिंग में मीट का है, चिकन का है, जूस प्रोसेसिंग है, मशरूम प्रोसेसिंग है, ब्रांडी, वोडका, बहुत सारे वहां बनता है, आप बना सकते हैं वहां पर। और ट्रैवल टूरिज्म बिजनेस, में आप कर सकते हैं गेस्ट हाउसेस, बेड ब्रेकफास्ट, कैंपिंग, ठीक है, रेस्टोरेंट कर सकते हैं, ट्रैवल एजेंसी है, बहुत सारे आप बना सकते हैं, कैफेज वगैरह कर सकते हैं। सो मैंने आपको डिटेल्स दिखा दिया आर्मेनिया का बिजनेस क्या क्या आप कर सकते हैं, तो पूरा आपको डिटेल्स मैंने वन बाय वन दिखा दिया। तो आपका पास समय है, आप थोड़ा वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं आर्मेनिया में आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो आर्मेनिया में ट्रैवल एंड टूरिज्म बूम हो रहा है, अगर ट्रैवल टूरिज्म बिजनेस आप करना चाहते हो तो बहुत सारे आप गेस्ट हाउस आप वहाँ बना के गेस्ट हाउस का बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारे वहाँ होटल्स है, आपको होटल्स 1 करोड़ से लेकर 5-10 करोड़ में बड़े बड़े 3-star, 4-star, 5-star होटल मिल जाएगा आपको, अगर आप खरीदना चाहोगे, या जमीन खरीद के होटल बना सकते हैं, या अगर कम पैसा में आप कुछ करना चाहोगे तो आप ट्रैवल एजेंसी भी कर सकते हैं। और आगे बताऊंगा कितने सारे बिजनेसेस वहाँ सेल के लिए है, मैं आपको बताऊंगा, आपको एक लिस्ट बताऊंगा, तो एवरेज में इतने में आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल ट्रैवल एजेंसी का बात कर रहा हूँ, तो ट्रैवल एजेंसी में अगर ट्रैवल एजेंसी आप करना चाहते हो ऑफिस लेके, तो आपको कम से कम वहाँ पर 4-5 लाख रुपया में ट्रैवल एजेंसी बन जाएगा। हमारे पास काफ़ी सारे लाइसेंसेस है, ट्रैवल एजेंसी का लाइसेंस है, अगर आप खरीदना चाहोगे तो हमारा कंपनी आपको सेटअप करके देगा ट्रैवल एजेंसी का। और आप अगर चाहते हो आर्मेनिया में, आप हमारे साथ भी ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस कर सकते हैं, कि हमारा ट्रैवल एजेंसी का, हमारा कंपनी का ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस इन आर्मेनिया में है, तो उसमें आपको अगर आप इन्वॉल्व होना चाहते हो तो 4-5 लाख रुपया में आपका काम हो जाएगा, 50% या 40% जो भी है
आपको पार्टनरशिप मिल जाएगा, ये ट्रैवल एजेंसी का है। और इंडियन रेस्टोरेंट्स का बहुत बिजनेस वहाँ पर बूम हो रहा है, बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट आते रहते हैं वर्ल्ड वाइड। और अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट वहाँ करना चाहो तो इंडियन रेस्टोरेंट में अच्छा फायदा है। इंडियन रेस्टोरेंट आप 10 लाख से लेकर 25 लाख में वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, वहाँ का लोगों को इंग्लिश नहीं आता है, अगर इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस आप चला सकते हो आप वहाँ कर सकते हो और आपको अच्छा फायदा मिलेगा। अगर आपको इंग्लिश आता है, इंग्लिश पढ़ा सकते हो, तो छोटा सा इंस्टीट्यूट बना के आप वहाँ इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी कर सकते हो, ठीक है। और आर्मेनिया में और काफ़ी सारे बिजनेसेस आप कर सकते हो, वहाँ फ्रूट्स बहुत सस्ता है, वेजिटेबल्स बहुत सस्ता है, तो फ्रूट्स को वेजिटेबल्स को आप वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हो। और फ्रूट्स जैसे कि पीस हो गया, एप्पल बहुत सस्ता है, एप्पल जो है एप्पल बहुत सस्ता है, इंडियन रुपीस में आपको 2 रुपया से लेकर 5 रुपया में एप्पल खरीद आप एप्पल वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका पास ज़्यादा पैसा है तो एप्पल जूस का प्लांट भी लगा सकते हो, या एप्पल वहाँ सस्ता में खरीद के एप्पल को प्रोसेस करके आप एप्पल का जूसेस बना के बेच सकते हो, या एप्पल को डायरेक्ट वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको मैं बता दिया, एक टाइम में मैं आर्मेनिया में था तो एप्पल का रेट 2018-19 में एप्पल का जो किलो 2 रुपया इंडियन रुपीस हो गया था, और कभी कभी 5 रुपया 10 रुपया तक जाता है, 10 रुपीस पर किलो के ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। और आर्मेनिया में गैस जो है रशिया बहुत सस्ता में आर्मेनिया को गैस सप्लाई करते रहते हैं, तो अगर आर्मेनिया में आप रेसिडेंसी लेके रहोगे तो गैस बहुत सस्ता है, और ऑलमोस्ट जो आप कुकिंग गैस जो है फ्री है, और आप गैस जो गाड़ी चलाओगे गाड़ी का बहुत सस्ता है, गैस बहुत सस्ता है, ऑलमोस्ट इंडियन रुपीस 30 रुपया पर लीटर में, 25 रुपया पर लीटर में गैस मिलता है। और वहाँ जो कार है इम्पोर्टेड कार, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू जितने से बड़े बड़े कार एक्सपेंसिव कार्स हैं वहाँ सस्ता में मिलता है। और अगर आप वहाँ रेसिडेंसी लेकर रहोगे तो ये आप गाड़ी का कोई भी गाड़ी खरीद के इजीली वहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी बहुत सस्ता है और गैस बहुत सस्ता है, वहाँ पेट्रोल महंगा है, गैस बहुत सस्ता है, ठीक है। तो डिटेल्स मैंने आपको बता दिया क्या क्या बिजनेस कर पाओगे आर्मेनिया में। और लैंड बहुत सस्ता है, आप आर्मेनिया में लॉन्ग लीज के लिए और लॉन्ग लीज में आप लैंड्स लेके आर्मेनिया में आपका खुद का एग्रीकल्चर फार्म कर सकते हो, फ्लावर का कर सकते हो, और कोई भी वेजिटेबल वगैरह बना के आप ग्रो करके वेजिटेबल फ्रूट्स आप वर्ल्ड वाइड यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आर्मेनिया में 3-4 साल रहने के बाद वहाँ का सिटीजनशिप भी मिल सकता है। और आर्मेनियन गवर्नमेंट, आर्मेनियन लोग इंडियन लोग को पसंद करते हैं, काफ़ी सारे करीब 4,000 के ऊपर इंडियन वहाँ गए थे, लेकिन 2,000 से 3,000 लोग वहाँ रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। और एक बिजनेस भी आप कर सकते हैं, आर्मेनिया में काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज है, और आर्मेनिया में आप खुद का स्टडी एब्रॉड कंसल्टेंसी खोल के आर्मेनिया के साथ साथ जॉर्जिया, अजरबैजान, रशिया, यूक्रेन जितने सारे एक्स सोवियत कंट्रीज है वहाँ पर आप इंडिया, अफ्रीका और जितने सारे एशियन कंट्रीज है स्टूडेंट सप्लाई करके स्टूडेंट से और यूनिवर्सिटी से पैसा आपको कमीशन मिल सकता है, ये भी बिजनेस कर सकते हैं। तो जितने सारे बिजनेसेस के बारे में आपको बता दिया, पूरे बिजनेसेस का मैंने लिस्ट जो आपको दिखा दिया, आप हमारा लिस्ट ठीक से पढ़िए, पढ़ने के बाद आप डिसाइड करिए अगर आर्मेनिया में आपको बिजनेस करना है या नहीं करना है। कंपनी रजिस्ट्रेशन फ्री है, अगर आप खुद जाके करोगे तो आपको 1,000 से लेकर 1,500 रुपया में आपका कंपनी बन जाएगा। और आपको रेसिडेंसी वीजा लेना है तो आपको खुद का ऑफिस लेना पड़ेगा रेंट में या। और आर्मेनिया में एक और अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा अच्छा घर बनता है वहाँ, अच्छा लग्जरियस अपार्टमेंट बनता है, विलाज बनता है, और बहुत सस्ता में आप वहाँ घर खरीद सकते हैं। और आर्मेनिया में करीब 15 लाख 25 लाख 30 लाख के अंदर आपको 2 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाएगा अगर आप खरीदना चाहोगे, ठीक है। और 50 लाख 1 करोड़ में भी मिलेगा, बड़ा लग्जरियस हाउस, लेकिन 15-20 लाख 25 लाख में भी आपको घर 2 बेडरूम हॉल किचन घर मिल जाएगा, वहाँ पर बहुत सस्ता है, जमीन बहुत सस्ता है, अपार्टमेंट बहुत सस्ता है, आप कुछ भी बिजनेस वहाँ कर सकते हैं। अगर आपको आर्मेनिया में कुछ बिजनेस करना है तो इमिडिएटली आप आर्मेनिया में जाके आप खुद ट्राई करिए कंपनी रजिस्ट्रेशन करके। और ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस अच्छा है, रेस्टोरेंट का बिजनेस अच्छा है, वहाँ पर ज़्यादा जो अरबिक स्टाइल रेस्टोरेंट है कबाब वगैरह वहाँ अच्छा चलता है, क्योंकि ईरानियन लोग काफ़ी विजिट करते हैं, ईरान उनका बॉर्डर में है, तो ईरान से लोग काफ़ी लोग मिलियंस ऑफ टूरिस्ट ईरान से आके घूमने के लिए आते हैं, और रशिया से मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं, और जॉर्जिया से आते हैं, क्योंकि ईरान टू तेहरान टू यरेवान आर्मेनिया भाई बस में जा सकते हो, भाई कार में जा सकते हो, 16-17 घंटा में आप तेहरान पहुंच सकते हो, और 20-25-26 घंटे में आप यरेवान टू मॉस्को पहुंच सकते हो, ठीक है, भाई रोड, और जॉर्जिया भी नज़दीक है, ठीक है। और आपके पास अगर आर्मेनिया का रेसिडेंसी वीज़ा है तो यूरोपियन कंट्री जाने के लिए आपके लिए ईजी है,
जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आपके पास इंडिया का कोई बिजनेस है, आप कोई भी यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री, कनाडा जाने के लिए ट्राई करते हो फॉर बिजनेस और मीटिंग, तो आपको बहुत सारे पेपर वर्क करना पड़ता है। आपको इनकम इन 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न पेपर दिखाना पड़ता है, अच्छा इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना पड़ता है एम्बेसी को, और आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट एम्बेसी मांगता है इन इंडिया। लेकिन अगर आपको आर्मेनिया, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन जो कंट्रीज है पोस्ट सोवियत कंट्रीज में, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए एम्बेसी को। आपके पास बैंक अकाउंट में, बिजनेस अकाउंट में कम से कम 2 लाख रुपए आना चाहिए, आपका रेसिडेंसी वीजा आना चाहिए, आपके पास ट्रेड लाइसेंस कुछ भी बिजनेस होना चाहिए। आप कोई भी कंट्री जाके वीजा अप्लाई कर लीजिए, आपको 8-10 दिन में वीजा मिल जाता है। आप कनाडा जाइए, अमेरिका जाइए, या कोई भी यूरोपियन कंट्री जाके मीटिंग अटेंड करिए, बिजनेस करिए, और आपको इजीली सक्सेस हो सकते हैं इन आर्मेनिया। अगर आर्मेनिया में कुछ भी बिजनेस आपको करना है, कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, तो आप हमें कॉन्टेक्ट करिए, या गूगल में जाके आर्मेनियन लॉयर्स ऑफ आर्मेनिया आप सर्च करिए, आपको काफी सारे लॉयर्स मिल जाएंगे। वो भी आपको बताएंगे 2000 से लेकर $3000 आपको बताएंगे रेट, या आप खुद जाके ट्राई कर सकते हैं। तो अभी बात करूंगा वीजा के बारे में। आर्मेनिया जो वीजा है, इंडियन को वीजा ऑन अराइवल कर दिया था 2 साल पहले, तो 2 साल से वीजा, काफी सारे इंडियंस वहां जाते थे वीजा ऑन अराइवल में, और अभी भी वीजा ऑन अराइवल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, 2-1 साल पहले काफी सारे एजेंट्स, जो मेन पावर रिक्रूटमेंट एजेंट्स जो है, आर्मेनिया का वीजा अराइवल था, इसलिए इंडिया से काफी सारे जो जॉब सीकर्स कैंडिडेट्स को लेकर आर्मेनिया में छोड़ दिया और आ गया कि हम आपको यूरोप में छोड़ दिया, और विदाउट जॉब में उनको छोड़ दिया। तो इसलिए जो लोग वहां पर रुके थे वो गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी में कंप्लेन किए, और इंडियन एम्बेसी ने डायरेक्ट किया जो ये प्रॉब्लम को आर्मेनियन गवर्नमेंट को बताया। तो फिलहाल आर्मेनियन गवर्नमेंट क्या किया, वीजा ऑनलाइन कर दिया, यानी आप जाने से पहले वीजा आपको ऑनलाइन में अप्लाई करना पड़ता है, और वीजा ऑनलाइन में आपको 24 आवर्स में आपके अकाउंट में आता है, और आपको ऑनलाइन में पेमेंट करके वीजा लेना पड़ता है इन एडवांस। ठीक है, वीजा मिल जाता है 3-4 दिन में मिल जाता है। तो कैसा वीजा अप्लाई करोगे, उसका जो वीजा का जो लिंक है मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, देख लीजिए आप। इसी गवर्नमेंट का साइट है इमिग्रेशन का, इसमें लॉग इन करके जाइए, रजिस्टर करके ऑनलाइन पेमेंट करिए, आपको 24 से लेकर 48 आवर्स में आपके पास वीजा आ जाएगा। अगर आप ऑनलाइन में वीजा अप्लाई करेंगे तो 2500-3000 आपको खर्चा आएगा, $50 खर्चा आता है वीजा का। अगर आप $50 मतलब 3500, अगर आप हमारे से वीजा लोगे तो हम 5000 में आपको वीजा देंगे, और हमारा जो स्टाफ है आपको, अगर आप आर्मेनिया जाओगे तो आपको एयरपोर्ट से रिसीव करेंगे, आपको होटल में रखेंगे, और आपका पूरा काम करके देंगे। तो हमारा खर्चा आएगा $1500 से लेकर $3000, डिपेंड करता है क्या कंपनी आप बनाओगे, या आप खुद जाके वहां पर कर सकते हैं, या आप कोई भी लॉयर या लॉ फर्म को इन आर्मेनिया कॉन्टैक्ट करके आपका बिजनेस वहां स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन के लिए अच्छा है, इंडियंस को पसंद करते हैं, इंडियन नेशनलिटीज को, नेपालीज और बांग्लादेशी नेशनलिटी को थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा वीजा डिफिकल्ट हो जाएगा। और फिलहाल पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ आर्मेनिया गवर्नमेंट का डिस्प्यूट प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसलिए पाकिस्तानी नेशनलिटीज को, पाकिस्तानी नेशनल को वीजा नहीं है, वीजा बंद किया है वह आर्मेनिया। इसलिए आर्मेनिया, पाकिस्तान का कोई नेशनल, अगर नेशनलिटी इंटरेस्टेड हो तो आर्मेनिया के लिए ट्राई मत करिए, फिलहाल वीजा आर्मेनिया बंद किया हुआ है। तो अगर आप एक इंडियन नेशनल हो तो आर्मेनिया के लिए ट्राई करके, वीजा अप्लाई करके आर्मेनिया में जाके आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या अगर आपको आर्मेनिया में कुछ भी बिजनेस करना है, जमीन खरीदना है, घर खरीदना है, कुछ भी करना है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, नीचे दिए हुए ईमेल आईडी में मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको पूरी तरह मदद करूंगा आर्मेनिया में बिजनेस सेटअप के लिए। तो मेरा डिटेल्स, मैंने आपको डिटेल्स बता दिया आर्मेनिया में आप क्या कर सकते हो, क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, और क्या क्या बिजनेसेस वहां पर सेल में है। फिलहाल कुछ बिजनेसेस वहां सेल पर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस मेरे वीडियो के बाद आपको दिखा रहा हूँ, और आप देख लीजिए। अगर कुछ भी बिजनेस आपको खरीदना है तो आप मुझे ईमेल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देख लीजिए क्या बिजनेसेस फिलहाल सेल में है इन आर्मेनिया। तो मैंने दिखा दिया क्या बिजनेसेस फिलहाल सेल में है, और कितना पैसा में, कितना एवरेज पैसा में हम खरीद सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और बिजनेस रजिस्ट्रेशन, कंपनी फॉर्मेशन, और बाइंग सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और कुछ भी बिजनेसेस आप करना चाहते हो इन आर्मेनिया आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो, आर्मेनिया का वीडियो आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा।
अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट में लिखिए और मैं आपको जवाब दूंगा, और आगे का वीडियो में इन्वेस्टमेंट काफी सारे वीडियो में लाता रहूंगा। तब तक मैं विदा लेता हूँ, आगे का वीडियो मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।